ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, है ना। एक्चुअली ये जनरेटर का नहीं बल्कि एक्सेलरेटर का काम करता है ना। लेकिन नाम अब इसको यही दिया है। इसका काम है, एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्जेस टू वेरी वेरी हाई स्पीड्स टू परफॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। सबसे पहले इसको समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आप एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, बीच में न्यूक्लियस है ना। और न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यही है ना बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी करने हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करने हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन होगा या न्यूक्लियस तक पहुंच के रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस। आ गया आंसर दिमाग में, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं तो ऑब्वियसली उसको यहाँ पहुँचना है न्यूक्लियस तक, यानी उसको एटम के बहुत ही डीप तक आना है, एटम के एकदम अंदर तक, न्यूक्लियस तक पहुंचना है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ठीक है, एक की वेलोसिटी, एक की स्पीड बहुत 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 ज़्यादा है और एक की स्पीड बहुत कम है। ठीक है, ए बहुत हाई स्पीड, हाई, और हाई स्पीड तो हाई काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है और बी की एनर्जी इतनी हाई नहीं है, बहुत ही लो एनर्जी वाला। अब आप खुद समझो कि ए न्यूक्लियस तक पहुंच सकेगा कि बी न्यूक्लियस तक पहुंच सकेगा, कौन पहुंच सकेगा, ए की बी, कौन सी जगह लाइन लेकर के जाऊं। आया समझ में? यस, क्योंकि हाई एनर्जी है और आपको बिल्कुल अंदर तक पहुंचना है, इसीलिए हाई एनर्जेटिक ए पार्टिकल ही अंदर न्यूक्लियस तक पहुंच सकेगा टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करने हैं और न्यूक्लियस तक अगर किसी पार्टिकल को पहुंचाना है, इतनी हाई एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? बहुत हाई एनर्जी चाहिए और उस हाई एनर्जी के लिए बहुत हाई स्पीड, यानी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए उस पार्टिकल की। ठीक है, तो एम अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो वान डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, ये एक्चुअली में चार्ज्ड पार्टिकल्स को इतनी हाई स्पीड पर लेके जाता है, एक्सेलरेट करता है कि वो बहुत हाई एनर्जी वाले हो जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एम। अब अगला पॉइंट है प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके काम करने के क्या रूल्स हैं। तो ये, इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल नंबर वन कोरोना डिस्चार्ज एंड प्रिंसिपल नंबर टू। ठीक है, चार्ज गिवन, ये वाला हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये वाला समझते हैं। कोरोना डिस्चार्ज को एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है वो अब हम यहाँ देखते हैं। इसके पहले एक छोटा सा डेफिनेशन याद करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है सिंबल? वेरी गुड, अगर याद आ गया बहुत ही बढ़िया। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, अब नाम देखो क्या है, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, है ना, ये नाम है ना, तो इसका मतलब यहाँ कुछ शार्प पॉइंट्स का काम है। तो समझ लो ये एक कोम है, मेटल की कंघी है ना, मेटल की ये कंघी ले लो तुम। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को देखो, ये शार्प पॉइंट्स है ना, आपने शार्प नहीं भी है तो इनको घस के बिल्कुल अच्छे से शार्प कर दिया। अब अपना दिमाग लगाओ और सोचो, ये जो शार्प पॉइंट्स हैं इधर, एरिया, एरिया एट शार्प पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है या एकदम कम होता है, पॉइंट शार्प कब बनता है,
अब जैसे ये है ना, यहाँ का एरिया ज्यादा होगा या इस टिप का एरिया ज्यादा होगा? नेचुरली जहां जहां एरिया, जहां शार्प पॉइंट आएगा वहां का एरिया कम होता जाएगा। तो अगर कोई बहुत ही शार्प पॉइंट है, आपने उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से घस के शार्प किया है, यानी वहां का जो एरिया है वो इतना छोटा है कि आप बोल सकते हैं द एरिया टेंड्स टू जीरो, बहुत ही छोटा एरिया बन गया और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो नहीं है लेकिन इतना छोटा है दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब इस इक्वेशन में अगर एरिया बहुत ही छोटा टेंड्स टुवर्ड्स जीरो बनेगा तो जो आंसर आएगा है ना, ये टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? यानी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, यस और नो? अब इसका मतलब समझिए, यानी इस छोटे से एरिया पर इनफाइनाइट चार्जेस बिठाने की कोशिश हो रही है। इसको ऐसे समझ लो कि एक माउंटेन पीक है, चोटी है माउंटेन की, यहाँ एरिया बिल्कुल ही ना के बराबर है ना, और यहाँ तुम 100 लोग बिठाने, खड़ा करना चाह रहे हो। तुमने बोला यहाँ 100 लोग खड़े हो जाओ, क्या 100 लोग यहाँ खड़े हो सकेंगे? एक जब बंदा यहाँ खड़ा होगा, दूसरा जब इसके आने की जगह कोशिश करेगा तो ये गिर जाएगा, जब दूसरे के बदले तीसरा आने की कोशिश करेगा तो दूसरा गिर जाएगा, हाँ या ना? पिक्चर दिमाग में बनाइए, ऐसा लगेगा जैसे इस पहाड़ की चोटी से लगातार लोग गिर रहे हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा? सही है, वही चीज़ यहाँ पर होगी, बस यहाँ लोग नहीं है, थैंकफुली यहाँ पर कौन है, चार्जेस। इस शार्प पॉइंट पर चार्जेस बैठने की कोशिश करते हैं, और एक नहीं दो नहीं, कितने इनफाइनाइट चार्जेस बैठने की कोशिश करते हैं, इनफाइनाइट यानी बहुत ज़्यादा चार्जेस बैठ, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है उनके बैठने की। इसके कारण क्या होता है, जब एक चार्ज आता है दूसरा गिर जाता है, दूसरा आता है तीसरा गिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से चार्ज एक हवा बन के बाहर की तरफ गिर रही है। ठीक है, ये है कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ये लाइन देखिए, दिस प्रोड्यूसेस अ विंड ऑफ चार्जेस विच कम आउट ऑफ द शार्प पॉइंट, ये मैंने आपको अभी समझाया। अब इसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो समझो, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चार्ज अगर किसी कंडक्टर के एक पॉइंट पर दिया है तो वो इस एक पॉइंट पर नहीं रहेगा, बल्कि वो उस कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, है ना? ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, हीट का एग्जाम्पल लेके भी हमने इसको किया था। आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपसे कहा था कि मान लो ये एक मेटल का स्पून है, मेटल स्पून है, और आप इस मेटल स्पून को एक तरफ से हीट दे रहे हो, तो क्या वो हीट एक ही जगह पर बैठी रहेगी? नहीं, हमने कहा था धीरे धीरे ये हीट पूरे आखिर तक फैल जाएगी, याद आ रही है बात, है ना? बस यही चीज़ अब कंडक्टर के साथ होगी। अगर ये कंडक्टर है और आप इस कंडक्टर के एक जगह पर चार्ज बिठा रहे हो, ये कंडक्टर है ना, मेटल कंडक्टर है अगर ये, और आप इसके एक जगह पर चार्ज बिठा रहे हो, तो चार्ज यहीं पर टिका रहेगा क्या? नहीं, कंडक्टर है ना, इसीलिए ये कंडक्ट करेगा और चार्ज को धीरे 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 अपनी पूरी बॉडी पर फैला देगा। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं इसके, एक एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स यानी कि शार्प पॉइंट्स में से हवा निकलती है चार्ज वाली, और दूसरा कंडक्टर के ऊपर एक जगह पर अगर चार्ज देते हो तो वो एक ही जगह पर स्थित टिका हुआ नहीं रहता है, बल्कि धीरे धीरे पूरे कंडक्टर पर बराबर फैल जाएगा। ओके,